अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। धार्मिक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। रामायण पर धार्मिक टिप्पणी की थी पप्पू यादव ने। आजमगढ़ क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है पप्पू यादव के खिलाफ। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आजमगढ़ से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार। धार्मिक का टिप्पणी की थी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव ने, इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रामायण पर उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव इसी आरोप में गिरफ्तार। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। धार्मिक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। रामायण पर धार्मिक टिप्पणी की थी पप्पू यादव ने। आजमगढ़ क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है पप्पू यादव के खिलाफ। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आजमगढ़ से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार। धार्मिक का टिप्पणी की थी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव ने, इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रामायण पर उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव इसी आरोप में गिरफ्तार। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आजमगढ़ से, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। धार्मिक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। रामायण पर धार्मिक टिप्पणी की थी पप्पू यादव ने। आजमगढ़ क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है पप्पू यादव के खिलाफ। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आजमगढ़ से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार। धार्मिक का टिप्पणी की थी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव ने, इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रामायण पर उन्होंने धार्मिक टिप्पणी की थी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव इसी आरोप में गिरफ्तार। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर।